हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर जो भी बंदे टायर टू और टायर थ्री सिटीज से होते हैं, या फिर ऐसा कहें तो स्मॉल टाउन से होते हैं, स्मॉल सिटीज से होते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा ये बातें चलती ही रहती है। जैसे मैं खुद भी बहुत ही छोटे शहर से हूँ, तो हमारे दिमाग में एक बातें हमेशा चलती रहती है कि काश हमें मेट्रो सिटीज ना जाना पड़ता, और जो इनकम हम मेट्रो सिटीज जाके जनरेट कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर काश हमें हमारे घर पे ही मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। फैमिली के साथ भी रह लेते हैं। होता क्या है कि हमें काफी दिनों तक फैमिली से दूर रहना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में, अगर हमारे शहर से हम दूर किसी मेट्रो सिटी में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, खुद का अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपने ही शहर में करें, अगर वो टायर टू टायर थ्री सिटीज या किसी छोटे टाउन से अगर वहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज मैं खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों। और उनके लिए, उनको मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप अपने घर पे रह के, आपको मेट्रो सिटीज आने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे इस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे भी बेहतरीन बात क्या है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ पैसा नहीं लगने वाला आपका, है ना। ये बहुत ही बेहतरीन बात, क्योंकि अक्सर हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ स्कोप नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शहर में, टायर टू टायर थ्री सिटी या स्मॉल टाउन जहां भी आप रहते हैं, वहां स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आपको मेट्रो सिटीज आके अपने फैमिली से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला है करियर काउंसलिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा फील्ड है जिसपे इंडिया ने अभी तक मार्केट नहीं पकड़ा है। आप बड़े से बड़े डेवलप कंट्री में चले जाइए, डेटा निकाल के देख लीजिए कि करियर काउंसलिंग का जो इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, और इसीलिए वो कंट्रीज काफी डेवलप है। होता क्या है, आप भी इससे रिलेट करेंगे कि जब हम छोटे होते हैं और जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, ज्यादातर लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है कि वो फ्यूचर में क्या पढ़ने वाले। हमारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमने भी कर लिया। हमारे दोस्त मेडिकल कर रहे हैं, हमने भी कर लिया। वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खास करके हमारे बिहार झारखंड में, तो झारखंड से आता हूं, और हमारे यूपी झारखंड बिहार इलाके में गवर्नमेंट जॉब, हर दूसरा इंसान आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है दोस्तों। तो सबको देख के हम भी वही कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन ये है दोस्तों कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी स्किल सेट क्या है, हम किस चीज में अच्छे हैं, नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा करियर किस चीज में अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छा बोलता हूं, अच्छा बात करता हूं, अच्छा कम्युनिकेट करता हूं, तो मैं जर्नलिज्म में मेरा करियर ज्यादा बेटर हो सकता है, मैं एक अच्छा लॉयर बन सकता हूं। अगर मैं एक जगह सिस्टम कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं एक डिजिटल मार्केटर या फिर एक वेब डेवलपर नहीं बन सकता दोस्तों, या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। ये तो मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे डिसाइड होता है कि आपको अपना करियर किस पर्टिकुलर फील्ड में चूज करना चाहिए। तो ये होता है करियर काउंसलिंग दोस्तों, जिसकी बहुत ज्यादा कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेट्रो सिटीज में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है, और बहुत ना के बराबर हो रही है, और हो भी रही है तो मतलब अभी अभी कुछ सालों में ये ट्रेंड पकड़ने लगा है। तो टायर टू टायर थ्री सिटीज में तो ये बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इसका नॉलेज रखते हैं और स्टूडेंट को इस बातों से हेल्प करते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर बेटर रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट लेके, उनकी बातों को समझ के, उनके इंटरेस्ट को समझ के, उनकी हॉबीज को समझ के, मुझे लगता है कि आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाओगे, आप एक पुण्य का काम करोगे। क्योंकि 95% से ज्यादा युवा बाद में चल के ये रियलाइज करते हैं कि शायद वो इसलिए नहीं बने हैं। जी हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, जो कि आपको, इसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप वीडियोस बना सकते हैं करियर काउंसलिंग में, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, कहीं भी वीडियो बना सकते हैं, कॉलेजेस में जाके सेमिनार दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं करियर काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस। तो इससे आप बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये समाज कल्याण भी कर सकते हैं और बच्चों को का मार्गदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जो आज के डेट में भारत के लिए खास करके नीड ऑफ द आवर है। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मतलब हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, हमें एम्प्लॉय नहीं बनके एम्प्लॉयर बनना है। तो दोस्तों ये बनना जितना सुनने में आसान लगता है इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय बन रहे हैं और एक एम्प्लॉयर बन रहे हैं, दोनों में काफी फर्क है। क्योंकि एक एम्प्लॉयर हर फील्ड उसको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हर फील्ड का वो जानकार होना चाहिए, बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत सारा नॉलेज रखता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस रखता है, और सबसे ज्यादा जरूरी है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। बचता वही है एक स्टार्टअप में, आगे वही बढ़ता है जो लास्ट तक हार नहीं मानता है और जो टिका रहता है। वो जैकमा ने कहा है ना, डोंट बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट। और हमेशा आपको सबसे पहले डट के खड़ा रहना है दोस्तों। तो इस तरह का ट्रेनिंग आप चाहेंगे तो अपने इलाके में चालू कर सकते हैं। जो युवा इसमें इंटरेस्टेड है उनको बता सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज के बारे में बता सकते हैं, उनके स्किल सेट को समझ के आप बता सकते हैं कि आप इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपको भी इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो गूगल प्ले स्टोर में ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरे वेबसाइट यूथप्रेन्योर इंडिया में हार्ड कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी गई है। और मेरी किताब बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, जैसे डीवाई पाटिल से रिकॉग्नाइज हो चुका है, थड़ोमल साहनी से रिकॉग्नाइज हो चुका है, बनसंगा के UKS इंस्टीट्यूट में PGDM स्टूडेंट के फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ये सेलेक्ट हो चुका है करिकुलम में दोस्तों, मतलब PGDM के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसे पढ़िए और आप इसे जानकार बनके आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ट्रेनिंग देता हूं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए, अगर आपको लगता है कि आप स्टूडेंट आपको मिलते हैं, वहां रिक्वायरमेंट है आपके एरिया में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, हम उनका बैचेस बनाएंगे और आप हमारे चैनल पार्टनर बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों 8433758307 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एडमिशन कंसल्टेंट। दोस्तों हमारे जगह पे बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि आपका कितना मार्क्स आएगा तो आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। कुछ बच्चों को है, कुछ बच्चों को नहीं भी है, कुछ पेरेंट्स को है, कुछ पेरेंट्स को नहीं भी है। तो जिन्हें नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रहा है तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं है, तो आप उन्हें उनका ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है दोस्तों। अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से टाई अप कर लिया तो आपको वो कॉलेजेस ही हर एडमिशन पे पे आउट देती है, और ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, बहुत ही अच्छा मॉडल है। इससे भी आप एक बहुत अच्छा रेपुटेशन क्रिएट करते हो मार्केट में, और ये बिजनेस खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने का, बच्चों को सीट दिलाने का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा और पुण्य का काम है। उसके बाद मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं दोस्तों, जो आप अगर टायर टू टायर थ्री सिटीज में रहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और वो है वेब डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है, इवन अगर आपको वर्डप्रेस भी आता है, आप अगर कर सकते हैं जो बहुत आसान है, तो आप वहां पे जितने छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको कन्विंस कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि ऑनलाइन प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस आजकल हो रहा है, लेकिन आज भी दोस्तों भारत में टायर थ्री सिटीज में अगर आप जाते हैं, टायर टू सिटीज में आप जाते हैं या इंटीरियर इलाकों में जाते हैं, वहां आज भी लोगों के बिजनेसेस के वेबसाइट्स नहीं है। आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो, उनसे आप 4,000-5,000 तक भी अगर आप चार्ज करते हो तो आराम से एक स्टैटिक वेबसाइट बना के आप दे सकते हो, उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उनको बता सकते हो कि आपका प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ आपके शहर में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग आपके प्रोडक्ट को और आपके बिजनेस को जान सकेंगे अगर आपका वेबसाइट होता है तो। इवन आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्रिंट एड देने से अच्छा है उससे कम पैसे में आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो लीड्स कम पैसे में जनरेट हो जाती है। ये सर्विस भी आप अपने उस लोकल एरिया में दे सकते हो, और बच्चों को ये स्किल्स आप पढ़ा भी सकते हो दोस्तों। जी हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हो, आप गूगल एडवर्ड्स पढ़ा सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड कैंपेन्स कैसे लगाते हैं वो पढ़ा सकते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये सब आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स है और उस पे मेट्रो सिटीज में और पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और जॉब अवेलेबल है दोस्तों।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चैनल पार्टनर। दोस्तों अगर आप टायर टू टायर थ्री सिटीज या छोटे शहर में रह रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आप बात करने में अच्छे हैं, आप कन्विंस करने में अच्छे हैं, तो दुनिया में एक चीज है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और वो है आप बेच सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। दोस्तों याद रखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में जरूरत है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है और वहां पर उसकी कमी है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन कंपनी बनाती है आप पता लगाओ और उस कंपनी से टाई अप करो और उनके प्रोडक्ट को लाके बेच के मुनाफा और कमीशन आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेपन है सेल्स स्किल्स होना, और कुछ भी आप बेच सकते हो दोस्तों। कन्विंस अगर आपको करना आता है तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे भाई बहन जो भी टायर टू और टायर थ्री सिटीज में रहते हैं वो इससे फायदा उठा पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसे बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर किसी भी तरह की अगर आपको सजेशन लेना है, मुझसे बात करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8433758307 में, और मेरा ईमेल आईडी है author sonal@sinha@gmail.com। धन्यवाद।